हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल चौधरी और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो वे प्रोटीन के ऊपर है और ये वे प्रोटीन है प्रोस्टार। तो मैं प्रोस्टार का अपना रिव्यू देने जा रहा हूं कि अगर आप प्रोस्टार खरीदने जा रहे हैं या आप एज इट इज या मसल्स ब्लेज का वे प्रोटीन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या किस बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि मैंने पहली बार प्रोस्टार यूज़ किया है, इससे पहले प्रोस्टार मैंने यूज़ नहीं किया। और सबसे खास बात है कि जब 2017 स्टार्ट हुआ था, 16 में मैंने एक्सरसाइज चालू की थी क्योंकि तभी जिम की अपनी ओपनिंग की थी, और 17 में मुझे कंपटीशन खेलना था, उससे 2 महीने पहले नवंबर में कंपटीशन खेलना था, तो सितंबर के आसपास मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था। और पहला प्रोटीन जो मैंने लिया था वो ऑन का था क्योंकि मैंने ऑन का नाम बहुत सुना था और मैं किसी भी डुप्लीकेसी में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऑन को ख़रीदा। उसका रिजल्ट अच्छे थे, वो एक नंबर का जेन्युइन क्वालिटी का प्रोटीन था जिसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को अपनी पॉकेट और बजट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोस्टार के बारे में मैं क्या बताना चाहूँगा वो आप देखिए कि प्रोस्टार अगर आप ले रहे हैं तो क्या क्वालिटी है और क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोस्टार को ख़रीदा है और मैंने इसके अंदर देखा कि जो इस पे रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो थोड़ा सा क्वालिटी में कमी है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है। दुनिया खरीद रही है, ले रही है क्योंकि शायद ये सस्ता है। अगर मैं कंपेरिजन करूँ एज इट इज़ के रॉ से और मसल्स ब्लेज के रॉ से, तो मैं यही पाता हूँ कि थोड़ा सा मिलता हुआ ही है, इसका रॉ है वो मिलता हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि आप मसल्स ब्लेज लेंगे, एज इट इज़ लेंगे या प्रोस्टार लेंगे? तो यहाँ पर जो मैंने क्वालिटी पहले भी ऑन की आपको बताई थी, यहाँ पर उसी स्टाइल में कभी भी आपको चेक करना हो इसको, तो कभी भी चेक करने के लिए आप इसको पानी में नहीं ऐड करना है। इसको मैंने बताया लैब जो है अपना सबसे अच्छा लैब, मुंह जो है अपना सबसे अच्छा लैब है। ये मुंह में चपक रहा है लेकिन कम चपक रहा है, बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसका जो रॉ है वो कमज़ोर है ऑन के मुकाबले में। और एज इट इज़ वाले और जो अपने मसल्स ब्लेज वाले हैं वो इस तरीके का रॉ को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मसल्स ब्लेज या एज इट इज़ लेने जा रहे हैं तो उससे बेहतरीन है कि आप प्रोस्टार ही लें। तो प्रोस्टार में उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पैसे का थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो आप देख लेना। इसके अलावा मैं बता दूं और सस्ते में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए, एक कंपनी मेरे पास है, ये है मसल साइंस की, मसल साइंस कंपनी है। इसका जो रॉ था मैंने इसको फिनिश कर दिया है, इसको यूज़ किया था, इसका रिजल्ट अच्छे थे और रेट जो थे रेट भी लगभग ये मान के चलिए कि प्रोस्टार के 19-20 पे ही थे। यानी अगर आप वैसे आपको कभी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दिल्ली की कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल पाएगा ये। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में हैं तो मसल साइंस का ले सकते हैं क्योंकि मसल साइंस में भी जो रॉ यूज हो रहा है वो प्रोस्टार से अच्छी क्वालिटी है। तो अब अगर प्रोस्टार से अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है, एसिटीज लेने जा रहे हैं या आप मसल्स ब्लेज लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप मसल साइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है और इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों मैं यही इसका रिव्यू देना चाह रहा था कि आप कभी भी प्रोटीन ले रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मैंने गेनर लिया था, दिल्ली में था, मैंने गेनर लिए 2 डब्बे और उसमें एक डब्बा तो सही था, दूसरा डब्बा कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मैंने उसे पूरा डब्बा मंगवाया, उसको चेक किया तो उसमें मैंने देखा
कि उसमें कुछ पाउडर्स यूज किए गए थे, तो उस पाउडर को खाने के बाद मैंने पता लगाया कि उसमें कच्चा सोयाबीन, कच्चा गेहूं, कच्चा चावल और कच्चा जौ यूज किया हुआ था, इसका पाउडर था। और जो पीनट यूज किए थे बहुत ही पुरानी घटिया क्वालिटी के थे, जिसमें घुन लगे होते हैं और जिससे पाउडर निकल आता है, घुन लग जाते हैं। उसको छान कर कैसे बनाया था, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उस ऑयल की, जो ऑयल सड़ जाता है, पुराना हो जाता है। उस स्टूडेंट को मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की कि इसको फेंक दे, मत खाए, लेकिन उसने कहा कि सर बहुत पैसा लगा हुआ है, 2800 रुपए का ये 2 किलो मैंने लिया था, सर कुछ तरीका बता दो। मैंने कहा कि भाई सबसे खराब काम तो ये है कि हो सकता है इसको खाने के बाद तेरे को उल्टी हो जाए। कह रहा सर उल्टी तो नहीं होगी, तो मैंने कहा उल्टी नहीं होगी। तो भाई मैंने उसको तरीका बताया कि इसमें मिल्क पाउडर और कोका पाउडर ऐड कर लो तो इसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा, तो थोड़ा खा सकते हो आप, खाने लायक है ये। लेकिन बस यही था कि उसमें जो ऑयल की क्वालिटी उन्होंने यूज किया है बहुत ही गंदी, पीनट जो यूज किया था बहुत ही गंदी क्वालिटी का यूज किया हुआ है, तो वो जेन्युइन नहीं था, वो घटिया क्वालिटी का मिक्सिंग प्रोडक्ट है जो अनजान लड़कों के हाथों में आ जाता है, जिसको गेनर या वे प्रोटीन बता के दे दिया जाता है। तो आप ऐसे डुप्लीकेसी से सावधान रहें और हमेशा ध्यान रखें कि सप्लीमेंट जब भी आप लें तो उससे बोल दीजिए कि मैं इसको खा के चेक करूंगा, क्योंकि मैं बता दूं गेनर और वे प्रोटीन अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो खाने में आपको डिफरेंट नहीं पता लगेंगे। हल्का सा कार्ब ज्यादा होता है उसमें, हल्का सा क्या, ज्यादा ही कार्ब होता है, फिर भी आप पता नहीं लगा पाओगे कि वे प्रोटीन और कार्ब में बहुत कम अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, थोड़ा सा अंतर आता है। तो वो अच्छा लगेगा, जेन्युइन लगेगा आपके मुंह में, बिल्कुल जैसे ये चिपक रहा है वैसे ही चिपकेगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं जो है गेनिंग फेस पे चल रहा हूँ, तो गेनिंग फेस पे मैंने आप बहुत दिनों से परेशान थे कि आप कुछ ले रहे हो, तो मैंने कहा कुछ ले के देख ही लेते हैं, गेनिंग फेस पे चल ही रहा हूँ। तो मैंने इस बार क्या किया कि आप ये देखिए मेरे पास है सुपर ड्रॉल और प्लस M1T, आप देख पा रहे होंगे इसको, थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है इस पे स्क्रीन पे, सुपर ड्रॉल प्लस M1T है ये, और इसकी जो परसेंटेज है 7.5 और 7.5 है, यानी सुपर ड्रॉल 7.5 है और मिथलाई टेस्ट जो है 7.5 है, M1T जो है 7.5 है, यानी 15 mg की एक कैप्सूल है, पर डे नाश्ते के साथ लेनी है। और देने वाले ने कहा है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, गेनिंग के लिए है। तो दोस्तों मैंने इसको स्टार्ट किया है, इसका रिव्यू मैं आपको जल्दी दूंगा कि आखिर इससे क्या रिजल्ट है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या बॉडी पे कितना बेनिफिट इससे उठाया जा सकता है एक कैप्सूल से। और सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान ने साइकिल पहले से चला के रखी हुई है तो उस पर ये असर नहीं करेगा, और अगर उसने पहले कभी भी एस्ट्रॉइड वगैरह यूज नहीं ली है, साइकिल फॉर्म पे नहीं ली है, यानी कभी कदार यूज करना, एक दो इंजेक्शन ले लेना, या इस तरीके से 15 दिन में या हफ्ते में या महीने भर में, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर उसने प्रॉपर साइकिल चलाई है 3 महीने की, 12 वीक की, तो उसको जरूर ये हो सकता है कि फ़ायदा ना पहुंचाए, क्योंकि कहने वाले ने ये बताया है कि ये जो सुपर ड्रॉल है ये डायनाबॉल का बाप है। तो डायनाबॉल का बाप है, तो अभी मुझे नहीं पता, मुझे 8-10 दिन हुए खाते हुए, अब इसमें 60 कैप्सूल्स हैं, तो ये 15-20 दिन हो जाएंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ये कुछ काम कर रहा है, वैसे लग तो रहा है कि कुछ काम कर रहा है। तो अभी मैं ख़त्म कर दूँ इसको तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आज तक के टॉपिक में इतना ही है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि डुप्लीकेसी से आप बचते रहिए, और किसी भी क्वालिटी का आप प्रोटीन लें तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लें। और अभी इस समय मैं गेनिंग फेस पे हूँ, तो मैं जब कंपटीशन खेल के आया था मेरा बॉडी वेट 58 था, और अभी का जो बॉडी वेट है मेरा 67 है, बॉडी वेट बढ़ा हुआ है मेरा, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बॉडी वेट को 80 तक पहुँचाऊँ, कि मैं दूसरे यूट्यूबर के तरीके ये नहीं ज्ञान नहीं बांटता कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ लेकिन खुद पर अप्लाई नहीं करूँ। तो मुझे खुद पर भी अप्लाई करना है, मैं खुद को भी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई गेनिंग है तो गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि नहीं बॉस हो नहीं सकता, क्या है क्या नहीं, ये सब बहानेबाजी, ये सब मैं नहीं बोलता, ठीक है। बाकी पीक पीक थोड़ी सही हो रही है,
दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।